सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब यार। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही हार्ड ट्रिक जो कि आप लोगों को नहीं आता होगा। इस वीडियो में आप लोगों को ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को यूट्यूब शायद कभी ऐसा वीडियो मिला होगा जो ऐसा ट्रिक बताया होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि बहुत ही धारदार तरीका से हम अपना फोटो जो है एडिट किए हैं जो कि आप सब देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो इसी टाइप का बनाने वाला है फोटो जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स बिफोर आफ्टर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फोटो है ओरिजिनल जो कि आप सब देख सकते हैं कितना ही बेकार है। चलिए फ्रेंड्स, इसको शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फोटो जो है यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। देखिए, यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में अपने फोटो जो है एड कर लिए हैं। एड करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं भी क्लिक नहीं करना है। आप लोग को यहाँ से कोने वाले आइकन में एक इफेक्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से देना है, आप लोग यहाँ से सही कर लेना है। देन फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से हम अपने फोटो को आप लोगों को दिखा दे रहे हैं बिफोर आफ्टर। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अब क्या करना है, टून इमेज पर क्लिक करके हल्का सा ब्राइटनेस को हमें बढ़ा लेना है, हल्का हल्का बस बढ़ाना है। और यहाँ से इसको प्लस कर लेंगे इतना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम अपने फोटो को डन कर लेंगे। डन करने के बाद देख सकते हैं देन गाइस, हमारा इतना फोटो जो है एडिट हो चुका है। इतना होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शेयर कर लेंगे अपने फोटो को। यहाँ से देखिए, शेयर करते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो है शेयर हो चुका है। यहाँ से देखिए, अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में जो है शेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन आ चुका है। तो यहाँ से अपने फोटो जो एडिट करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। एड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से आ चुका है फोटो। तो यहाँ से आप लोगों को एक दिखा दे रहा हूँ, ये जो मैं प्रीसेट बनाया हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा प्रीसेट है। तो इसी को आज हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं अपने फोटो में। तो यहाँ से देखिए, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी सेटिंग का आप लोगों का एक आइकन दिख रहा होगा, उसको यहाँ से सही कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिए, आप लोगों को ओरिजिनल पिक में आ जाने के बाद यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर लेना है। तो कुछ टाइप का आप लोगों का फोटो जो है एडिट हो जाएगा कुछ वन ही क्लिक में, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड। वन ही क्लिक में हमारा फोटो जो है कितना बेहतरीन सा एडिट हो चुका है, जो कि आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है हमारा फोटो केवल वन ही क्लिक में। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो है कितना हार्ड एडिट हो चुका है। इतना होने के बाद देखिए, आप क्या करेंगे, अपने फोटो को जो है शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा फोटो जो कितना हार्ड एडिट हो चुका है। तो यहाँ से देखिए, हम अपना फोटो जो है शेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से आप स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ से अपने फोटो को जो है शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से शेयर टू करेंगे अपने फोटो को। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो है यहाँ से शेयर कर लेंगे अपने फोटो को पीसेट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो है पीसेट एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। आने के बाद देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इफेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ से देखिए इफेक्ट वाले आइकन एक दिख रहा है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को ब्लर वाला आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाले लेयर ले लेना है। लेने के बाद अपने बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर लेना है कुछ इस टाइप का, जो कि देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो चुका है। आप लोग जितना मर्जी उतना आप लोग रख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर। यहाँ से देखिए, अपने फोटो को यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, एक हमें PNG ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए, एक PNG जो है ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को ये PNG चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा PNG जो है यहाँ से ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद देखिए, आपने PNG का साइज जो यहाँ से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद कुछ टाइप का बैठा करके अपने फोटो जो यहाँ से सेव कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो यहाँ से इतना ऐड हो चुका है। तो यहाँ से अपने फोटो जो यहाँ से शेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा फोटो जो यहाँ से शेयर हो चुका है गैलरी में। यहाँ से देखिए, अब अपने फोटो जो शेयर करेंगे स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से देखिए, हमारा फोटो जो स्नैपशॉट एप्लीकेशन आ चुका है। आने के बाद देखिए, आप लोगों को सिलेक्टिव वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपने फेस को जो है थोड़ा सा गोरा करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए, गोरा हम कर लेते हैं अपने फेस को, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए, हमारा फेस जो है यहाँ से गोरा हो रहा है, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ से धीरे धीरे अपना फेस जो जितना चाहें उतना आप लोग वाइट कर सकते हैं, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फोटो जो यहाँ से इतना वाइट हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले कितना ब्लैक था और अब कितना हमारा फोटो जो है गोरा हो चुका है,
क्योंकि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हमारा कान पे भी ब्लैक है तो उसको भी थोड़ा वाइट कर लेते हैं। इतना होने के बाद देख सकते हैं हमारा बिफोर आफ्टर कितना चेंजिंग हो चुका है हमारे फोटो में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या करेंगे, हमारे फोटो को जो है यहाँ से शेयर करेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्लिक करने के बाद अपने फोटो जो है रिमेनिंग ऐप में लेकर चलेंगे। उसमें हमारा फोटो जो है थोड़ा हमें HDR करना है, जो कि हमें फेस स्मूथ करने में दिक्कत आए। तो आप लोग पहले भी कभी भी फोटो जो एडिट करिएगा तो आप लोग रिमेनिंग पहले ऐप यूज कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, हमारा फोटो जो है देख सकते हैं आप लोग कितना क्लियरिटी आ जाती है, जो कि आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बिफोर आफ्टर रिमेनिंग ऐप का कितना कमाल है, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। पहले हमारा फोटो ऐसा था और यहाँ से देख सकते हैं आफ्टर कितना चेंज हो चुका है, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आप अपने फोटो को यहाँ से सेव करेंगे। आप लोग सेव करेंगे तो आप लोगों को एक ऐड देखने को मिलेगा, जो कि हम ऐड क्लिप काट दिए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे फोटो जो गैलरी में ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अपने फोटो जो है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद आप लोगों को एक ऐसा ब्रश दिखाऊंगा, आप लोग शायद उससे अपना फेस जो है स्मूथ किए होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये ब्रश है, जो कि इसी को हम यूज करेंगे अपने फेस स्मूथ करने में। तो यहाँ से देखिए आप लोग को सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप का आज हमारा सेटिंग रह गया, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेटिंग का। तो यहाँ चलिए अपने फेस को जो स्मूथ करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए आप लोग इस ब्रश का जो साइज लंबा रखिएगा, तभी आप लोग अच्छा सा फेस स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका ब्रश का मतलब कितना बेहतरीन सा हमारा फेस जो है स्मूथ कर रहा है, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। हल्का सा ये ब्लैक नहीं दिख रहा है और हमारा फोटो जो है फट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा हम फास्ट स्मूथ करते हैं, जो कि आप लोग भी बोर नहीं होइएगा और हमारा फेस जो भी स्मूथ हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हम अपना फेस जो है स्मूथ कर रहे हैं। बहुत ही हार्ड तरीका है हमारा फेस स्मूथ करने का, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस ब्रश में यही फायदा है, जो आप लोगों का फेस जो है बहुत ही आसान तरीका से स्मूथ हो जाता है और बहुत ही कम ही टाइम में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फेस जो स्मूथ हो चुका है, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब चलिए अपने फोटो जो यहाँ से शेयर करते हैं। शेयर वाला आइकन पर क्लिक करके अपने फोटो जो है स्नैपशीट एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सिलेक्टिव वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं गर्दन पे जो था ना, यहाँ से थोड़ा ब्लैक और वाइट था, तो यहाँ से देखिए हम एक ही कलर में कर ले रहे हैं, कि तो वाइट नहीं तो ब्लैक ही। तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का हम गोरा कर ले रहे हैं अपना फेस, जो कि इससे हमारा क्या होगा और HD में हमारा फेस जो है दिखेगा, और इससे हमारा फोटो जो है कितना मतलब फटेगा उठेगा नहीं, जो कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा फोटो जो है इतना एडिट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।